बाजरे की रोटी, ये देख सकते हो। ये है अभी खाना बन चुका है और साथ में दाल भी बन गई है, बस दाल को थोड़ा सा तड़का लगाना बाकी है। तो चलिए तड़का भी लगा देते हैं, दाल बघार लेंगे। तो मैंने बनाई है जो सुजनी ड्रम स्टिक, सुजनी के पल्ली की दाल है ये। तो हमारा लंच रेडी हो चुका है, जैसे नमाज़ पढ़ेंगे तो हम फिर अभी लंच करेंगे। ये देखिए गाइस, तमन्ना जैसे कि कल हॉस्पिटल गए थे ना बताने के लिए, तो अभी पी रहे हैं टॉनिक, अपनी खांसी की टॉनिक है ये। 5 ml हो गई, हाँ पी लो। तो तमन्ना को अभी थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह कल से आज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जो कि सर्दी थोड़ा सा कम हो गई है ना। मिट्टी है, कड़वी है। टैबलेट्स खा लिए ना पूरे आप? अभी शाम के होते हुए, हाँ एक शाम के है वो पिंक वाले, 3 days खाना है। कड़वी है बोल के इतने मज़े से चाट रहे आप उसको। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ पार्सल ओपनिंग का एक और पार्सल है, जो कि मेरे कस्टमर्स मंगवाए थे। तो पार्सल आ गया है और थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है गाइस, क्योंकि यहाँ पर लाइट थोड़ा सा मतलब क्या प्रॉब्लम दे रही है नहीं मालूम है। तो चलिए ओपन करते हैं ये वाला पार्सल। तो इस वाले पार्सल में हैं सारे स्टोल्स जो मैंने ऑर्डर किए थे, जो कि लाइट वेट स्टोल्स होते हैं गाइस, बहुत अच्छे होते हैं। आप अगर किसी को भी अगर ऑर्डर करना हो तो गाइस आप लोग मुझे है ना मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, तो मैं वहाँ पर रिप्लाई दे दूँगी, क्योंकि यूट्यूब पर ज़्यादा कुछ हम शेयर नहीं कर सकते हैं, ये पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ होता है। तो ये वाले है प्लेन स्टोल्स जो कि ड्रेसेस पे मैचिंग के लिए मंगवाए थे, ये वाले तो यही है। तो अभी जो दूसरे वाले स्टोल्स हैं ना, ये ब्रांडेड स्टोल्स है, वैसे आप लोग भी देखे होंगे, लेकिन मैं आप लोग को कम से कम रेट में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। तो अभी भी मैं बहुत रीज़नेबल रेट में देती हूँ, बहुत बाहर इसका रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं बहुत रीज़नेबल में देती हूँ। एक ओपन कर बताऊँगी मैं, जो कि इतनी अच्छी होती है ना गाइस, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा है ये। तो माशाल्लाह से ये कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है कलर। तो ये वाले स्टोल्स है ना गाइस, देख सकते हो क्लॉथ इतना अच्छा होता है ना, ये ब्रांडेड स्टोल्स है, जो कि अगर आप क्वांटिटी में मंगाएंगे तो मैं आपको बहुत रीज़नेबल रेट में दे दूँगी। तो चलिए एक वाली स्टोल मैं आपको बांध कर भी दिखाऊंगी। वैसे तो मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मेरे वीडियोस में भी आप लोग देख सकते हो कि कहीं बाहर जाना हो तो मतलब धूप में अगर जा रहे हैं तो मैं यही वाले स्टोल यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छे होते हैं। तो चलिए मतलब स्लीपी नहीं होते हैं ये, बहुत अच्छे कम्फर्टेबल, जैसे हम बांधते हैं वैसे आप मतलब टिके रहते हैं। ये देखिए अभी मैं आपको बांध कर दिखा रही हूँ, जस्ट मैं ऐसे ही बांध रही हूँ गाइस। तो मतलब जब हम सेट कर बांधेंगे ना तो बहुत अच्छे होते हैं ये वाले है ना ड्रेसेस पे, मतलब ड्रेसेस मींस जैसे कि हम कुछ वेस्टर्न ड्रेस पहनेंगे ना उस पे तो बहुत अच्छे लगते हैं ये वेस्टर्न ड्रेसेस पर। तो मैंने मंगवाए हैं ये वाला एक शेड है इसमें, और ये वाला एक शेड है जो कि तो ये सारे हैं ना गाइस डिफरेंट डिफरेंट पैकिंग में आते हैं, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो आप लोग को अगर किसी को बाय करना हो तो वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बाय। द नेक्स्ट डे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो अभी मैंने पढ़ा था फजर की नमाज़, हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह से, थोड़ी देर मैंने अरबी पढ़ रही थी। तो अभी सोचा कि मैंने क्या टिफ़िन बनाना है वो सब कुछ रेडी कर सो जाऊं, फिर जब ये उठेंगे तो फिर मतलब थोड़ा काम आसान हो जाएगा ना। तो मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है तमन्ना के टिफ़िन के लिए, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। 2 hours later। तो अभी तमन्ना जा रहे हैं स्कूल, टाइम हो गया है। और रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी गाइस यहाँ पर, तो देख सकते हो सारी रोडें कच्ची कच्ची लग रही है ना।
बाय। और ये देख सकते हो आज झाड़ों को पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी ना, तो पानी बहुत ज़्यादा मिल चुका है झाड़ों को। तो अभी गाइस तमन्ना चले गए हैं, अभी जो भी काम होगा चलिए अपना मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह बना लेते हैं। चले गए हैं स्कूल अभी, तो अभी मैं बनाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं और जूस वगैरह बनाना है तो आज मैं बनाने वाली हूँ और साथ में खाना भी बन रहा है। तो ये काट लेते हैं, कुछ नहीं तो आज बहुत सारे काम है मुझे क्योंकि रमाना का ड्रेस बनाना था जैसे कि मैंने लास्ट मशीन पे बताया था, तो सब कुछ भूल जाऊंगी। तो मतलब ड्रेस सीना है ना, प्रिपरेशन भी करना है, शॉप पर जाना है, लेकर आना है, स्टिचिंग करना है और शायद बहुत ज्यादा ना कर पाऊं और फिर मतलब कटिंग करना है, बनाते हैं ये और शॉप पर जाकर सब कुछ वगैरह भी लेकर आना है ना इसीलिए। तो गाइस ये बन रही है ज्वारी की रोटी जो कि ये देख सकते हो अभी मैंने डाल दिया है। तो गाइस आप लोग को किस किस को ज्वारी की रोटी अच्छे से बनाने आती है बताइए गाइस, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है मुझे, इतने टाइम बाद भी ये बार बार टूट जाती है वो। तो अभी मैं इस पर पानी लगा दी हूँ, वन साइड इसमें पानी लगाते हैं ना, तो फोन करना नहीं उस फौरी के नंबर पे। तो ये सेकंड वाली रोटी भी रेडी हो गई है, बस उठाने की बहुत प्रॉब्लम होती है गाइस मुझे क्योंकि मैं बेलन से बेलती हूँ ना तो हाथ से नहीं आता है मुझे, मैं बेलन से ही बेलकर ही डालती हूँ देख सकते हो। चलिए तो अभी सब कुछ क्लीन कर लेते हैं, अभी ये लास्ट काम था मेरा जो कि रोटी डालकर रख दी हूँ। मैं अभी जाकर रेस्ट करूँगी या नहीं तो कुछ कटिंग वगैरह कर लूँगी क्योंकि पहले तो शॉप पर जाकर लेकर आना है क्लॉथ, इसीलिए मैं कटिंग नहीं कर रही थी। जैसे हम टाइम मिलेगा मैं जाकर लेकर आऊँगी फिर हम स्टिच करेंगे। तो सब कुछ क्लीन हो चुका है, सकते हो गाइस कि अभी ड्रेस रेडी हो चुका है। मैं ये स्टिचिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम चले गया था तो मैं शूट करना भूल गई थी, तो कटिंग वगैरह तो मैंने कुछ भी शूट नहीं की है। तो ये ड्रेस तो आप लोग को तमन्ना जिस दिन पहनेंगे उस दिन देखने को मिलेगा। ये है इसकी बॉडी और ये रहा इसका बॉटम जो कि हो स्टिच, ये देख सकते हो कि आप टाइम मतलब स्टिच करने में मुझे पता ही नहीं चला कि इतना टाइम हो गया है। चलिए तो अभी करते हैं हम डिनर क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है ना। और गाइस ये वाला मैट देख सकती हो कि कितना अच्छा लग रहा है ना, तो मैं आज जैसे तमन्ना के ड्रेस के लिए लाइनिंग वगैरह लाने गई थी तो वहाँ पर मुझे ये वाला मैट अच्छा लग रहा था तो मैं लेकर आई हूँ और तमन्ना यहाँ पर इसको बिछा कर और खेल भी रहे थे तब से। तो आज मैंने बनाई थी मिनीस की फली जो कि अभी मैं गर्म कर रही हूँ, साथ में हम रोटी डालेंगे और चावल भी मैंने गरम करने के लिए रखा था ओवन में। तो चलिए हम डिनर करते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ मैं इंशाल्लाह कल एक न्यू व्लॉग के साथ। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही था क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, तो हम अपना डिनर करेंगे और फिर सो जाएंगे। एक्चुअली गाइस मैंने ना शाम में ये वाली फली बॉयल करी थी जो कि, तो इसीलिए हम ये खा लिए थे, इसलिए भूख भी नहीं लग रही थी, तो अभी ज़्यादा भूख लग रही है ना, तो चलिए करते हैं डिनर। तो हमारा खाना हो गया है गरम। तो गाइस देख सकते हो कि अभी मतलब पूरा काम वगैरह सब कुछ हो गया है और बहुत ज़्यादा थकी थकी हो गई है तबीयत। तो चलिए अभी हम आपको बताते हैं कि ड्रेस तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा से स्टिच हो गया है, जो पैटर्न मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही बन गया है। और आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा था तो अभी शौहर जी गए हैं लेके आने के लिए, और देख सकते हो आप लोग टाइम हो रहा है 1 बज रहा है तो शौहर जी गए हैं अभी, अगर आइसक्रीम मिलता है या नहीं देखते। आइसक्रीम मिल गया है, मेरा वाला कहाँ है? फ्रिज। ये देख सकते हो आइसक्रीम, कौन सी कुल्फी मिली क्या? हम्म।
आज हम ट्राई कर रहे हैं केसर केसर मावा कुल्फी। तो चलिए, तो गाइस जिस मतलब कोई चीज़ अगर अपनी किस्मत में लिखी होती है ना, तो इस तरह से मिलती है। शौहर जी रात में 1 बजे गए हैं तो आइसक्रीम मिल गया है, क्योंकि यहाँ पर जलसा चल रहा है इसीलिए आइसक्रीम वाले वहाँ रुके थे, इसीलिए हमको मिल गया।